हेलो एवरीवन, दिस इज एसीसी अमित कुमार और मैं आपके साथ इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कंसेप्ट रिवोल्यूशन मॉडल में जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, क्योंकि हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी एसेट पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यूशन होने की वजह से, अब जब जैसे ही हमने रिवोल्यूशन मॉडल लगाया तो हमने उसी एसेट को हायर अमाउंट पे वैल्यू करना शुरू कर दिया। अब हायर अमाउंट पे वैल्यू शुरू करने की वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी इस रीवैल्यूड अमाउंट पे लगती है। अब एक हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज होने लग गया। एक तरफ हम कहते हैं कि अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है, कोई कैश इन नहीं हुआ है, इसलिए हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। दूसरी तरफ ये हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हिट करता है और हमारा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग्स में भी बहुत कम प्रॉफिट फॉर द ईयर जा रहा है। तो अगर हम मेजर करें तो ये देखेंगे कि जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वो अब के डेप्रिसिएशन के मुकाबले में कम है, क्योंकि हमने एसेट को रीवैल्यू कर दिया। रीवैल्यू करने की वजह से एक हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज होने लग गया। क्या इस एक्सेस डेप्रिसिएशन का कोई तरीका है जिसकी वजह से ये एडजस्ट हो सके? हमारा रिटेन अर्निंग्स इम्पैक्ट हो रहा है, एक हमारा पीएनएल इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या करना चाहेंगे? क्या आप हर साल इस प्रॉफिट और लॉस में जो ये डिफरेंस आ रहा है एक्सेस डेप्रिसिएशन का, इसको हर साल एडजस्ट करना चाहेंगे, या इसको बहुत बड़ा मटेरियल अमाउंट ना समझ के आप ये भी कह सकते हैं कि जब एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा ऑन डिस्पोजल या हम जब एसेट को फुली कंज्यूम कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी रिवोल्यूशन सरप्लस है वो सारा का सारा हम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करने ही वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी ये डिफरेंस आया रिटेन अर्निंग्स, जिसकी वजह से कम वैल्यू हो रही थी क्योंकि हर साल हायर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता था, जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग्स कम वैल्यू हो रही थी, तो हम एक तो तरीका ये है कि हम वेट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस एसेट को डीरिकॉग्नाइज करते हैं, ये डिस्पोज हो जाता है, तब इससे रिलेटेड जो भी रिवोल्यूशन सरप्लस है, इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट कहता है कि ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट या डिस्पोजल ऑफ एसेट, इससे रिलेटेड जो भी रिवोल्यूशन सरप्लस बैलेंस है वो कभी भी रीक्लासिफाई नहीं होता पीएनएल के थ्रू, रीरूट नहीं होता पीएनएल के थ्रू। उसका एक ही तरीका है कि वो सारा का सारा बैलेंस हम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दें। तो जब अपने आप ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट और डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट ये जो भी बैलेंस है सारा का सारा रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा तो चिंता की क्या बात है। पर जो अकाउंटेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन में विश्वास रखते हैं और जो वेट नहीं करना चाहते कि ये मिसमैच है अकाउंटिंग में, हायर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू कम दिखाई दे रही है, अगर उनको इसको हर साल दूर करना है, वो चाहते हैं कि इसे हम अभी एडजस्ट करना चाहते हैं, हम वेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑप्शन ये दिया गया है कि आप जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, अब रीवैल्यूड अमाउंट पे एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होने लग गया, तो जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है उसको आप चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो हर साल रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में। तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी इसके लिए? रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होंगे इस एक्सेस डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है, जो पीएनएल में एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो हमारी रिटेन अर्निंग्स भी कम हो गई और रिवोल्यूशन सरप्लस बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस है। अगर हम रिवोल्यूशन सरप्लस से उतना अमाउंट हर साल ट्रांसफर करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स। सो ऑटोमेटिकली हर साल जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था वो मेरा सेटल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस था, कैसे ट्रीट होगी। अब एक्सेस डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन की वजह से हमारे पीएनएल पे इंपैक्ट पड़ रहा था, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर कम दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग्स में एक कम बैलेंस जा रहा था। एक चॉइस है हमारे पास, हम रिवोल्यूशन सरप्लस को एडजस्ट कर सकते हैं, हर साल कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग्स में जिसकी वजह से एडजस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंस है, आप चाहो तो हर साल ट्रांसफर कर दो एक्सेस डेप्रिसिएशन को, या आप वेट भी कर सकते हो कि जैसे ही ये एसेट डिस्पोज ऑफ होगा, डी रिकॉग्नाइज होगा, उस दिन ये ऑटोमेटिकली जो भी ये कमी रह गई ये अपने आप पूरी हो जाएगी, सारा का सारा बैलेंस रिवोल्यूशन सरप्लस का वैसे ही रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होना ही है। तो कैसे डील करेंगे ट्रांसफर एक्सेस डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट इज हायर इन कंपैरिजन टू डेप्रिसिएशन चार्ज बिफोर रिवैल्यूएशन। तो पहले हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो कम होगा, रिवैल्यू करेंगे एक हायर अमाउंट पे, एसेट को रिकॉग्नाइज कर दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी रिकॉग्नाइज हुआ है अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में, जिसकी वजह से क्या है डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज होगा तो पीएनएल एक हायर अमाउंट से हिट होने लगेगा।
एक चॉइस थी कि आप हर साल ट्रांसफर कर दो, दूसरी चॉइस है कि आप हायर डेप्रिसिएशन को पीएनएल में चार्ज करते रहो, दूसरा ये तरीका है कि जो इससे रिलेटेड डिवल्यूशन सरप्लस है उसको जैसे का तैसा रहने दो, उसमें कोई बदलाव या चेंज ना करो, और जब ये एसेट डीरिकॉग्नाइज होता है ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट या हम फुली कंज्यूम कर गए एसेट को, इससे रिलेटेड जो भी रिवल्यूशन सरप्लस है ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन अर्निंग्स में। ये एक ऐसा अकाउंटिंग मिसमैच है जो बहुत से अकाउंटेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं कि अब रिवल्यूशन सरप्लस का क्या करें। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब हम इंटेंशन चेंज करते हैं, हमारा इरादा बदलते हैं कि हम किसी एसेट को बेचने का इरादा करते हैं, तो पहली बार हो सकता है कि हम उसको फेयर वैल्यू पे लेके आए। तो जब भी हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू करेंगे किसी एसेट का, तो उसको ऐसा माना जाएगा कि हम उसको रीवैल्यू कर रहे हैं, और जो भी डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में आएगा। जैसे हम एसेट को अगर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में भी क्लासीफाई करते हैं, और हमारा मॉडल अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम ये तय कर लेते हैं कि हमें इस एसेट को रिकॉग्नाइज करना है एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और हमारा मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो क्या होगा, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन के दिन हमें दोबारा रिवैल्यूएशन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उस दिन तक की जो भी वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में दिखाई देगी। अब उस केस में क्या हुआ, ये एसेट ट्रांसफर हो गया नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जैसे ही एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल चला गया, वहां पे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे एक ही मॉडल है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उस केस में हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में ही रहने देंगे जब तक वो एसेट हमारे पास है, जब तक बिक नहीं जाता। जब ये एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल रिकॉग्नाइज हो गया, तो हमारा इरादा इसको एक साल के अंदर बेचने का है, तो जब हम बेचेंगे, बेचने के बाद ये सारा का सारा अमाउंट एक लंप सम में ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, क्योंकि जब हमने इसको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल रिकॉग्नाइज किया तो हमने डेप्रिसिएशन सीज कर दिया, तो एक हायर डेप्रिसिएशन चार्ज होने का मतलब ही नहीं रहा, कोई मामला ऐसा रहा नहीं जिसकी वजह से हायर डेप्रिसिएशन चार्ज पीएनएल में हो रही है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड हम डील कर रहे थे, ट्रांसफर होने के बाद कौन सा स्टैंडर्ड हो रहा है, तो जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर कर रहे हैं तब तक हमें रिवैल्यूएशन मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या इसके साथ होता है डिपेंड करता है, अगर एग्जिस्टिंग मॉडल है तब तो हम ये वाला तरीका अपनाएंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे, अगर ये किसी और स्टैंडर्ड में ट्रांसफर हो जाता है तब ये तरीका उसके ऊपर लागू नहीं होगा। सो दिस इज ऑल फॉर डीलिंग विद एक्सेस डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के केस में, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको कैसे डील करें, रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करें। Thank you.